बलात्कारी ते कातिल बाबा राम रहीम करना चाहता है हुण गऊ सेवा। देखो हरियाणा सरकार नू डेरा सिरसा ने भेजिया प्रस्ताव। इस वेले की खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां कि डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम जो है सुनारिया की रोहतक जेल दे विच बंद है ते उत्थे 25 अगस्त नू उसकी सज़ा नू तकरीबन 6 साल पूरे हो चुके ने। दस दिए कि राम रहीम दे उत्ते बलात्कार अते कतल दे दोषां दे हेठ उसनू सज़ा दित्ती गई है, पर उसकी सज़ा मिलन दे इन्ने सख्त बावजूद भी वह कई बार पैरोल ते बाहर भी आ चुका है। किसी वेले वह अपने गुरु का जन्मदिन मनाने लई बाहर आता है, तो किसी वेले आपका जन्मदिन मनाने के लिए वह बाहर पैरोल ते आ जाता है, तो जिसके पैरोल नू लैके लगातार सियासत पक्ष की हुई नजर आती रहती है। पर हुण डेरा मुखी राम रहीम जो है गऊ सेवा करना चाहता है, जिस दे बारे उसने हरियाणा सरकार नू प्रस्ताव भी भेज चुका है। नाल दी नाल ही तुहानू दस दिए कि यह गल का खुलासा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक के होंदा है, जिस दे विच डेरा सिरसा ने हरियाणा सरकार नू प्रस्ताव भेजा है कि जो डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम है वह गऊ सेवा करना चाहता है। तो होर की कुछ जानकारी इस बारे तो भी तुहानू दस दिंदे आ। दस दिए कि इस लई डेरा सिरसा वालों हरियाणा सरकार नू प्रस्ताव भेजा गया। इस विच डेरा सिरसा दे सूबे नू आवारा पशुआं तों मुक्त बनाउण दे विच राज गऊ सेवा कमिशन नू सहयोग देण दी पेशकश कीती है। राम रहीम दे इस प्रस्ताव दा खुलासा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दी बैठक दे विच होया। सीएम खट्टर सूबे नू आवारा पशुआं तों मुक्त करन दे लई गऊ सेवा कमिशन ते पशु पालन विभाग दे अधिकारियां दे नाल मीटिंग कर रहे हन। इसे दौरान ही मुख्यमंत्री नू दस्या गया कि डेरा सिरसा हरियाणा नू आवारा पशुआं तों मुक्त बनाउण दे लई राज गऊ सेवा कमिशन नू सहयोग दी पेशकश कश कर रहा है। हालांकि इस संबंधी सरकार वालों अज तक कोई फैसला नहीं लिया गया। उधर ही तुम दस दिए कि मीटिंग के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पंचायती जमीन से गौशाला चलाने लिए इच्छुक समाजिक धार्मिक संस्थावां नाल समझौता किया जाएगा। जिहड़ियां गौशाला गावां रखने की पेशकश करनगियां उन्होंने विशेष ग्रांट दी जाएगी। उधर ही खट्टर का कहना है कि उन्होंने तरफों केंद्र सरकार को भी पत्र लिखेंगे, अपील करेंगे कि सारे राज्यों को जानवरों की ट्रेनिंग करवाने के निर्देश दिए जाएं। हरियाणा के पहले पड़ाव के हिसार सिरसा भिवानी गुरुग्राम करनाल और पानीपत जिलों के आवारा पशुओं को मुक्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। तो इसे विचाले हुण जदों मुहिम चलाई जा रही है पूरे उत्थे इलाके दे विच हरियाणा इलाके दे विच, तां उत्थे हुण डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम जो है वह भी इसकी पेशकश दिंदा होया उत्थे दी सरकार नू नज़र आ रहा है। दस दिए कि डेरा सिरसा दे वल्लों पेशकश दित्ती गई है कि जो सरकार दे वल्लों एक कदम उठाया जा रहा है कि इलाके नू पूरा आवारा पशुआं तो पूरा जिहड़ा आ खत्म कर दिता जाएगा, मतलब कि आवारा पशु जिहड़े ने ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹਮਕੋ ਪਤਾ ਜਿਸੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਉਧਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। तो जो फरीदाबाद और पलवल साइड का जो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उसको भी हम जो है कंट्रोल एरिया इसको घोषित करने की बात कही गई है, ताकि वहां भी आगे चल करके जो विकास होगा यमुना नदी के साथ साथ, और यमुना नदी का कुछ हमारा जो हरियाणा का एरिया नदी के पार भी है, तो नदी के पार के एरिया को भी उसी हिसाब से कंट्रोल एरिया में ला करके उसका विकसित किया जाए उसको। की तुसी हजे तक अपने दिन की शुरुआत केमिकल नाल बनी हुई चाह तो कर रहे हो ते सारा दिन एसिडिक फील कर रहे हो? ना 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 ना, चाह नहीं छड़नी, बस प्लेनेट आयुर्वेदा दी अर्जुन टी पीनी है, ए तुहाडी सेहत दी है बेस्ट फ्रेंड। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन करें टॉप MD आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।